दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कमिश्नरी सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। विकास परियोजनाओं की प्रगति का भी जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ के बाद काशी पहुंच रहे हैं सीएम योगी। बैठक में वाराणसी के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। गाजीपुर और चंदौली के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़ेंगे। बैठक के बाद सीएम योगी काशी विश्वनाथ के करेंगे दर्शन और पूजन। खबर काशी से सामने आ रही है, जहां दो दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ काशी पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, जबकि वाराणसी के जो अगल बगल के जनपद है वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वहां के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, जिसके बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो एक बड़ी खबर इस वक्त काशी से निकल के सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में आज सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। आपको बताते चले कि आजमगढ़ से काशी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर एक्टिव हो चुका है। विकास परियोजनाओं की प्रगति का जायजा भी लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही वहां के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। कमिश्नरी सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए काशी से हमारे संवाददाता आफताब जुड़ चुके हैं। आफताब, दो दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंच रहे हैं, तो क्या क्या कार्यक्रम उनके वाराणसी में निर्धारित किए गए हैं? जी आफताब, कि दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंच रहे हैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज कमिश्नरी सभागार में मंडली समीक्षा बैठक करेंगे, वह विकास परियोजनाओं का जायजा भी लेंगे मौके पर जाकर। सीएम योगी, आपको बता दें कि दौरे के मद्देनजर कल बुधवार को प्रशासनिक गतिविधियां भी तेज रही। प्रोटोकॉल के मुताबिक मुख्यमंत्री शाम 4:50 पर आजमगढ़ से हेलीकॉप्टर द्वारा पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे, यहां से सर्किट हाउस जाएंगे। कमिश्नरी सभागार में 5 से 2 घंटे तक विकास कार्य का कानून व्यवस्था व मंडल समीक्षा की बैठक करेंगे। वहीं बाढ़ और कोरोना का नियंत्रण संबंधित जानकारी लेंगे सभागार में वाराणसी के। जी आफ्ताब, अगर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ भी जाएंगे, जहां पर वो दर्शन पूजन करेंगे, तो उसका समय क्या कुछ निर्धारित किया गया है और प्रशासन कितना अलर्ट है उसको लेकर? जी, आपको बता दें वहां पर सभागार में जाने के बाद 2 इनका सभागार में समीक्षा बैठक होगी, जिसमें जौनपुर और गाजीपुर और चंदौली के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़ेंगे। उसके बाद बाबा योगी आदित्यनाथ जो है काल भैरव मंदिर का दर्शन पूजन करेंगे। वहीं सभागार मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल और फुलवरिया 4 का निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री अगले दिन सुबह 9 बाबतपुर एयरपोर्ट विमान से लौट जाएंगे लखनऊ। आफताब, ये भी खबर निकल के सामने आ रही है कि सीएम योगी काशी तो पहुंचेंगे ही, लेकिन जो वाराणसी के आसपास के अन्य जनपद है वहां के भी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मीटिंग में जुड़ेंगे, तो और कौन कौन से ऐसे जनपद है जहां के अधिकारी इस मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे? जी, आपको बता दें कि जौनपुर, चंदौली और गाजीपुर, ये 3 जनपद के लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरूर जुड़ेंगे। आप साहब, अगर देखा जाए तो ज्ञानवापी का मामला वाराणसी में पहले से ही तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी काशी पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारियां पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है? पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट है? जी, ज्ञानवापी को लेकर मेरिट पर जो सुनवाई गुरुवार जिला जज की अदालत में होनी थी, अजय कृष्ण विशेष की अदालत में, वो आपको बता दें कि पिछली सुनवाई हिंदू पक्ष की ओर से पूरी की गई थी गुरुवार को। आज यानी कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से आज सुनवाई होनी थी, जिसके आपको बता दें कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी के मुख्य अधिवक्ता अभयनाथ यादव पिछले रविवार को रात हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। उसके बाद आज जो है कि कहा माना जा सकता है कि आज सुनवाई टल सकती है। जी,
धन्यवाद आफताब इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बड़ी खबर इस वक्त काशी से निकल के सामने आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज तकरीबन 5 बजे वहां पे पहुंचेंगे। इस दौरान वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, साथ ही साथ विकास परियोजनाओं की प्रगति का भी जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया जाएगा। तो 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी कि बनारस पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में मिली क्लर्क विपिन सिंह की लाश, मुख्यालय में तैनात 3 लोग इस दौरान पी रहे थे शराब। पुलिस को मौके पर मिली शराब की बोतलें, मौके पर पहुंची हजरतगंज पुलिस और फॉरेंसिक की टीम। पत्नी सपना सिंह का भी रो रोकर हुआ बुरा हाल। पत्नी का आरोप विपिन के साथ इंचार्ज क्लर्क आकाश और मुकेश भी इस दौरान मौजूद थे। एक बड़ी खबर लखनऊ से निकल के सामने आ रही है, जहां पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में क्लर्क विपिन की लाश मिली है। मुख्यालय में ही 3 लोग शराब पी रहे थे, वही पुलिस को मौके पर शराब की बोतलें भी मिली है। वही इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मृतक की पत्नी का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। वहीं मौके पर हजरतगंज पुलिस और फॉरेंसिक की टीम पहुंच गई है, जहां से उन्होंने साक्ष्य इकट्ठा करते हुए मृतक विपिन का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में क्लर्क विपिन सिंह की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है, जबकि मुख्यालय में तैनात 3 लोग मिलकर शराब पी रहे थे। मुख्यालय के अंदर ही 3 लोग शराब पी रहे थे। पुलिस को मौके पर शराब की बोतलें भी मिली हैं। मौके पर पहुंची हजरतगंज पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य बचाने के साथ ही पूछताछ भी शुरू कर दी है। पत्नी सपना सिंह का रो रोकर बुरा हाल है, जिसके बाद ही पत्नी का आरोप है कि विपिन के साथ इंचार्ज क्लर्क आकाश और मुकेश भी मौजूद थे। वह इस मामले पर पुलिस का साफ तौर पर अभी ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जाएगा कि आखिर किस वजह से क्लर्क विपिन की मौत हुई है, क्योंकि पुलिस को मौके पर शराब की बोतलें भी मिली है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन हम पूरी तस्वीरें फिलहाल आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ये खबर लखनऊ से निकल के सामने आ रही है, जहां पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में क्लर्क विपिन की लाश मिली है, जिसके बाद से ही सनसनी फैल गई है। मुख्यालय में तैनात 3 लोग शराब पी रहे थे, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता सागर थापा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में एक क्लर्क विपिन सिंह की लाश मिली है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? और उनके साथ ही कुछ लोग थे, यहाँ पे शराब पार्टी भी हो रही थी जी। और तकरीबन रात के 11:30 से 12 के बीच उसकी पत्नी को फोन आता है कि यहाँ पर विपिन सिंह बेहोशी हालत में पहुंच मिले हैं। उसके बाद उसकी पत्नी वहाँ पे जाती है तो देखा जाता है कि उनकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले में पुलिस को भी सूचना दी जाती है, साथ ही तमाम वहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी उनको भी बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी सरकारी कई विभागों में शराब की बोतलें मिल चुकी है। इससे पहले गवार भवन हो गया, तमाम ऐसे बड़े बिल्डिंग होगी, बड़ी सरकारी आवास, सरकारी कार्यालय होंगे, वहां पर भी शराब की बोतलें मिल चुकी है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा अभी तक फिलहाल दर्ज नहीं किया, लेकिन जो विपिन सिंह की जो पत्नी है सपना सिंह उसके उन्होंने तहरीर दी है 2 लोगों के खिलाफ, क्योंकि 2 लोग जो है उनके साथ ही क्लर्क थे, वो लगातार उनके घर भी आते थे। और एक साफ साफ बयान आया है सपना सिंह का, उसकी पत्नी का, विपिन सिंह का, कि ये 2 लोग घर आते थे, लेकिन जब उसकी पत्नी ने उनसे इस बारे में पूछा कि विपिन सिंह कहाँ है, तो उन्होंने साफ तौर पर इंतजार कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये मामला कुल मिला के हत्या का बनता है, और षड्यंत्र भी कुल मिला के अगर पुलिस इसकी जांच करे तो षड्यंत्र भी नजर आता है। बिल्कुल सागर, अगर देखा जाए तो इस मामले पर पुलिस की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है और पुलिस किस एंगल से इस मामले की जांच कर रही है? देखिए, आपको बता दूं कि पुलिस की जो मुस्कान सबसे बड़ी बात है कि पुलिस इस मामले में पूरी तरह से तफ्तीश में जुटी है, क्योंकि रात का देर रात का मामला है और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय का मामला है, पीडब्ल्यूडी हेड ऑफिस का मामला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंची थी, फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की पूरी चीजें इकट्ठा की हैं और पुलिस ने भी पूरे सबूत इकट्ठा किए हैं। मान के चलिए कि शराब की बोतलों से लेकर तमाम ऐसे चीजें मिली है कि मान के चलिए कि पुलिस को इस केस में बहुत ही जल्दी सफलता मिलने वाली। और दूसरी बात, पुलिस ने शुरुआती दौर में ये बताया कि विपिन सिंह की शायद हार्ट अटैक से मौत हो सकती है, लेकिन वो सबसे बड़ी बात यह है कि
सबसे बड़ा खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही निकल कर आने वाला है। सागर, अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि ये मामला मुख्यालय का है और मुख्यालय के बाहर गार्ड भी जरूर से तैनात रहा होगा, तो क्या गार्ड को इस पूरे मामले की भनक नहीं लगी कि आखिर अंदर हो क्या रहा है? जी देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी बात बता दूं कि मुख्यालय की बात है, यूपी का मुख्यालय है, पीडब्ल्यूडी मुख्यालय, यहाँ पर तमाम सैकड़ों की तादाद में गार्ड तैनात होते हैं। और अगर बात करूं विभागीय की, विभाग के लोग जो होते हैं तो उनकी गार्ड जहां तक चेकिंग नहीं करते हैं किसी भी चीज को लेकर, तो आवागमन होता रहता है। शराब की बोतलें अगर पाई गई है वहां पर, तो गार्डों ने तुरंत उस शराब की बोतलों को हटा दिया गया है, पुलिस के आने से पहले हटा दिया गया। विशेष सूत्रों के द्वारा हमें ये पता चला है कि शराब की बोतलें वहां मिली थी और देर रात तक वहां पर पीडब्ल्यूडी में हर कार्यालय में, हर बैरिक में वहां पार्टियां होती हैं। और सबसे बड़ा खामियाजा आज हमें देखने को मिल गया कि विपिन सिंह की मौत हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि विपिन सिंह की मौत का कारण धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि उनकी बॉडी पोस्टमार्टम को पुलिस ने भेज दी है। और एक पुलिस शुरुआती दौर में हार्ट अटैक की बात सामने ला रही थी, अब देखने वाली बात यह कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है या फिर किसी एक हत्या। बिल्कुल सागर, अगर देखा जाए तो इस मामले को लेकर जो मृतक की पत्नी है उन्होंने दो लोगों पर आरोप लगाए हैं, तो वो दो लोग क्या अभी पुलिस कस्टडी में है या अभी भी पुलिस की कस्टडी से बाहर बताए जा रहे हैं? जी मुस्कान, आपको बता दूं कि दो लोगों का नाम सामने आ रहा है। जो मृतक की पत्नी है उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है कि दो लोग इसके दोषी थे, क्योंकि जो दो लोग थे, दो लोग उनके घर भी आते थे, दो लोगों का उठना बैठना था साथ में और काफी एक बहुत ही गहनता थी, मित्रता थी काफी। तो शुरुआती दौर में जो मृतक की पत्नी है उसने दो लोगों पर आरोप लगाया है। हालांकि आपको बता दूं कि अभी तक फिलहाल पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस ने इसमें किसी भी व्यक्ति को कस्टडी में नहीं लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बता दूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पुलिस इस केस से पूरी तरह से जांच करेगी, पूरी तरह से काम करेगी। क्योंकि अगर पुलिस ने शुरुआती दौर में यह बताया था कि मौत जो है वो हार्ट अटैक के कारण हो सकती है, एक अनुमान लगाया था, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर हत्या की बात आती है तो ये दो लोगों का फंसना पूरी तरह से लाजमी है। बिल्कुल, धन्यवाद सागर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सागर, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिएगा और क्या कुछ अपडेट है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करिएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से लखनऊ के पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में तैनात एक कर्मचारी का शव मिला है, जिसके बाद से ही वहां पर सनसनी फैल गई है, जबकि पुलिस को मौके से शराब की बोतलें भी बरामद हुई है। फिलहाल हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।